फ्रेंड्स, मीनूज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेवई कस्टर्ड। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बनाना उतना ही आसान होता है। जब भी कभी मीठा खाने का मन करे, आप इसे फटाफट बना के और खा सकते हैं, या फिर घर में कोई मेहमान आए तो आप उसे भी बना के खिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं कोई भी न्यू रेसिपी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सेवई कस्टर्ड बनाने के लिए ये मैंने दूध लिया है 1 लीटर, और इसको हम उबालेंगे। जब तक दूध उबलता है तब तक हम सेवई को भून लेते हैं। सेवई भूनने के लिए एक पैन लेंगे और उसमें हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और घी को पिघलने देंगे। घी जब पिघल जाए तब हम इसमें 1 कप सेवई लेके और भून लेंगे। सेवई की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करें, और दूध की जितने आपके फैमिली मेम्बर में ज़रूरत हो उतना आप बना सकते हैं। सेवई का जो कलर है वो चेंज होने तक हमें इसे भूनना है। इसे हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेगा और जल जाएगा। सेवई जो है वो लाल हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये दूध भी उबल गया है। 2 मिनट हमें चलाते हुए और खौला लेंगे। दूध जो है 2-3 मिनट अच्छे से खौल गया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये कस्टर्ड मैंने लिया है 2 चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो दूध में जाके और ज्यादा गुठली गुठली फैल जाएगी। अब ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसे दूध में मिक्स कर देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल के और कंटिन्यू चलाते हुए। इसमें कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये गुठली बन जाएगी। आधा कप चीनी डालेंगे स्वाद अनुसार। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब चीनी को पिघलने देंगे। और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसे भी मिक्स कर देंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें जो हमने सेवई भून के रखी है वो डाल देंगे।
और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब 2 से 3 मिनट सिर्फ इसे हम पकाएंगे क्योंकि ये पतली वाली सेवई है। दो से तीन मिनट पकाने के बाद अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारा सेवई कस्टर्ड बनके तैयार हो गया।